दाने दाने के मोहताज पाकिस्तान की लगता है उल्टी गिनती शुरू हो गई। गर्दन तक कर्ज में डूबा है लेकिन अपनी आतंक परस्त नीति को छोड़ने को तैयार नहीं है पाकिस्तान। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान में हिजबुल के आतंकी बुरहान वानी के जीवन पर एक फिल्म बनाई जा रही है। इस फिल्म में बुरहान वानी के किरदार को निभाने वाले हैं नए पाकिस्तान के सांसद आमिर लियाकत। बताते चले, सांसद होने के साथ ही लियाकत पाक के जाने माने टीवी शो के होस्ट भी हैं। हालांकि पाकिस्तान के लिए ये नई बात नहीं, जब उसने आतंक का खुलकर समर्थन किया है और इसके लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार थप्पड़ भी पड़े, लेकिन जो सुधर जाए वो पाकिस्तान नहीं। पूरी दुनिया में आतंक के मुद्दों पर अलग थलग पड़ चुका पाकिस्तान अभी भी आतंक का समर्थन कर रहा है। अभी भी वो उन आतंकियों को बचाता फिर रहा है जिन्होंने पाकिस्तान को इस स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां वो बिल्कुल अकेला है। उसका दोस्त चीन भी का समर्थन नहीं कर पा रहा है, लेकिन अपनी आदत से मजबूर पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनी नापाक साजिशों से बाज नहीं आएगा। अब बुरहान वानी पर फिल्म बनाकर पाकिस्तान फिर कश्मीर घाटी को अस्थिर करना चाहता है। वो बुरहान वानी को एक आदर्श की तरह पेश करना चाहता है ताकि वो और भी लोगों को आतंकी राह पर चलने को उकसा सके और भारत के खिलाफ कश्मीरियों के दिल में जहर घोल सके। बता दें कि इस फिल्म के निर्देशक दावा कर रहे हैं कि वो कश्मीर पर एक साफ सुथरी फिल्म बना रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने कश्मीर पर एक साफ सुथरी मुद्दों पर आधारित फिल्म बनाने का फैसला किया है। बॉलीवुड की फिल्मों में जैसा कश्मीर दिखाया जाता है उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा होती है। स्थानीय कश्मीरी फिल्मों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शायद ही कभी चर्चा हो। इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये फिल्म भी पाकिस्तान की तरह ही आतंकवाद को बढ़ावा देगी। दरअसल पाकिस्तान का आतंकवादियों के लिए उमड़ता प्यार किसी से छुपा नहीं। याद दिला दें, इसी पाकिस्तान ने हिजबुल के एक आतंकी के मरने पर उसे शहीद का दर्जा दिया था और उसके मरने पर काला दिवस भी मनाया गया था। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म बस पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा है जिसके माध्यम से भारत के खिलाफ जहर उगला जाएगा। अब इस बात को सही साबित किया है आमिर लियाकत। उन्होंने कहा, मैं फिल्म में मुख्य भूमिका बुरहान वानी का किरदार निभाने जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं हीरो हूँ, लेकिन बुरहान वानी जरूर कश्मीरियों के लिए हीरो था। अब जिसे ये कलाकार कश्मीरियों का हीरो बता रहे हैं वो असल में एक आतंकवादी था जिसने ना जाने कितने कश्मीरी नौजवानों का ब्रेन वॉश किया था, उन्हें हाथ में कलम की जगह बंदूक लेने पर मजबूर कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, बुरहान ने तो सोशल मीडिया पर कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों का विस्तार किया और कई युवाओं को अपनी मुहिम के साथ जोड़ा। ऐसे में अगर पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामले में दखल अंदाजी करेगा और कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिश करेगा तो उसे याद रखना चाहिए, भारत उसकी हर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देगा। इसी तरह की अपडेट से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।